चीज देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया चीज डाला हुआ है और बहुत कमाल का लग रहा है, ये देखो भाई। स्वागत है जी आप सबका छटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज एक और वीडियो लेकर आए हम आपके लिए पलवल से, और भाई आज हम कवर करने आए हैं फूडीज कैफे को। अंदर चलते हैं भाई, इनके ना पिज्ज़ा सैंडविच वगैरह काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, दो तीन चीज़ें ऑर्डर करेंगे, दिखाएंगे कैसा टेस्ट है, स्वाद वगैरह सब कुछ बताएंगे आज। जी एक जी इनका जो है ना ब्रेड पिज्ज़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसको जो है ना हम मेन कवर करने के लिए आए हैं। बाकी ये बेसमेंट में है जी जगह, आप देख सकते हो काफ़ी अंदर से जो है ना साफ़ सुथरा बढ़िया बना हुआ है, सीटिंग वगैरह काफ़ी प्रॉपर अच्छी है, तो ऑर्डर करते हैं। तो भाई हमने जो है ना तीन चीज़ें ले ली हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले जो आ जाओ जी बर्गर पे, ये इनका एक स्पेशल बर्गर है और ये इस बर्गर का नाम है जी तंदूरी बर्गर। तंदूरी बर्गर आप देखो यार, काफ़ी अच्छी जो है ना टिक्की वगैरह, और मेरे ख्याल से ना तंदूरी जो है ना सॉस लगी हुई है, तंदूरी सॉस, उसके ऊपर पैटी और ये जी कोल्सलो लगा हुआ है, खीरा है, और नीचे भी जो है ना इन्होंने टमाटर प्याज वगैरह है, टमाटर प्याज है, मेयोनीज लगा रखी है, और साथ में तंदूरी सॉस है। और बर्गर का साइज जो है ना यार काफी सही लग रहा है, काफी हैवी लग रहा है, ऊपर जो है वाइट तेल वगैरह लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है और बन काफी अच्छा फ्रेश लग रहा है, काफी फ्रेश है जी। सेकंड मैं आपको चीज दिखाता हूँ जी ये, क्योंकि मेरा ना मन कर रहा है आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। ये है जी इनका फूडी स्पेशल ब्रेड पिज्जा सैंडविच। हाँ लेकिन ये वैसा वाला पिज्जा नहीं है, ये ब्रेड सैंडविच पिज्जा है और काफी अच्छा लग रहा है। सबसे मेन चीज ना अगर आप ये देखो तो कॉर्नर्स काफी अच्छे हैं, चीज बहुत कमाल का डाला हुआ है, आई थिंक अंदर भी जो है ना काफी अच्छा चीज मेयोनीज वगैरह और अनियन वगैरह लगी हुई है, तंदूरी सॉस टाइप की हर्ब्स वगैरह लगे हुए हैं। इसको जरा एक बार जो है ना थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं, ये देखो यार आप चीज देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया चीज डाला हुआ है और बहुत कमाल का लग रहा है, ये देखो भाई बढ़िया कि नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, और हैवी है, डबल लेयर होने की वजह से ना थोड़ा सा हैवी भी अच्छा लग रहा है, और ऊपर अनियन कैप्सिकम वगैरह वेजेस भी डली हुई है, काफी अच्छी डली हुई है, ऊपर हर्ब्स वगैरह भी डाल रखे हैं। एक सैंडविच हमने इनका स्पेशल और लिया है, प्राइस मैं आपको जो है ना इन सबके बाद में बताऊंगा, पहले जो है ना आप ये सैंडविच देख लो, ये देखो यार एक्चुअल साइज ये है, और ये भी जो है ना काफी ज्यादा हैवी लग रहा है, ये भी इनका स्पेशल है जी। ये लिए जी हमने ब्राउन ब्रेड में, ऑप्शन आपके दोनों है, व्हाइट या ब्रेड जोन से में लेनी है। आप इसके अंदर देखो इसमें भी ना पंकज तंदूरी सॉस डली हुई है, कोल्सलो है, और ये कॉर्न है, कैप्सिकम है, बहुत सारी चीजें हैं, और काफी अच्छा हैवी लोडेड लग रहा है जी। ये भी इनका स्पेशल में ही है, हमने इनका ये स्पेशल वाला लिया है फूडी स्पेशल सैंडविच। ओ भाई ये वाकई में बहुत जबरदस्त हैवी है। और जी अब बारी जी फूड टेस्ट करने की, और सबसे पहले जो है ना हम टेस्ट करने लगे हैं जी ये छोटा सा स्मॉल सा तंदूरी बर्गर, और टेस्ट करें जी। स्टफिंग तो खुली डली हुई है काफी ज्यादा, स्टफिंग बहुत जबरदस्त डली हुई है, और जो तंदूरी का नाम जो इन्होंने दिया है ना वो तंदूरी सॉस की वजह से काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, प्रॉपर फ्लेवर आ रहे हैं तंदूरी सॉस के, मजेदार। ये आजकल जो है ना आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं तंदूरी सॉस, वीबा कंपनी की तो बहुत आराम से मिल जाती है, वीबा और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं आजकल, ये रेडीमेड सॉस मिलते हैं, काफी अच्छी लगा रखी है, कंजूसी नहीं कर रखी है, कोल्सलो बहुत बढ़िया डाला हुआ है, खीरा प्याज टमाटर, और टिक्की जो है ना वो रेडी टू ईट वाली जो आजकल टिक्की आ रही है मैकेन वगैरह की, वो वाली यूज कर रखी है। आप देखो खीरा है, कोल्सलो काफी अच्छा डाला हुआ है, और जो आलू टिक्की है ना वो भी मैकेन वगैरह वाली काफी अच्छी, मसाले वगैरह, और आलू भी काफी अच्छा पीसेस वाला है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, और सॉस वगैरह अच्छी खुली लगी हुई है, तो उससे प्रॉपर फ्लेवर आ रहे हैं जी, प्याज खीरा वगैरह चीजें काफी अच्छी डाल रखी है। 70 रुपये इसका प्राइस है, मुझे लगता है 70 रुपये के हिसाब से पंकज ठीक है, बढ़िया है भाई। बर्गर तो हो गया है पास, अब बारी है जी फूडी स्पेशल सैंडविच की, और इसका प्राइस है जी 130 रुपये, 130 रुपये में काफी जबरदस्त जंबो साइज है। टेस्ट कैसा है ये तो खाने में पता चलेगा, सही में करें टेस्ट। भाई एक बात है, पैसा ले रहे हो तो चीज दे रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप देखो ये तो जो लोग आते हैं उनको पता है, अब ये कैमरा देख के इतनी ज्यादा स्टफिंग है, ये जेन्युइन आपको ऐसी मिल रही है, ये तो जो लोकल पलवल के वीडियो देख रहे हैं ना वो कमेंट करके बताना 130 रुपये में हमारे हिसाब से, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और खा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो बहुत जेन्युइन लग रहा है जी, क्योंकि स्वीट कॉर्न है, कोल्सलो है, इसके अंदर भी हल्की सी वो तंदूरी वाली सॉस डाल रखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में 10 रुपये का ही फर्क रखा हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं, अगर आप व्हाइट ब्रेड के साथ लोगे तो ये 120 रुपये का है।
बाकी भाई मजेदार है। तेरे को कैसा लगा? बढ़िया लगा। और एक कैटलॉग में मैंने पढ़ा भाई 5% GST इस प्राइस में एक्स्ट्रा एप्लीकेबल है, तो इसके बाद अभी GST लगेगा। आप ये देखो यार, एक तो कॉर्नर जो है ना काफ़ी अच्छे ग्रिल हो रखे हैं, वेजेस वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, कॉर्नर तक जो है ना कॉर्नर टू कॉर्नर, मतलब हर बाइट में आपके पास फ्लेवर्स वगैरह प्रॉपर आएंगे। तंदूरी सॉस, तंदूरी मेयोनीज जिसे कहते हैं वो भी डली हुई है, काफी अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं, कॉर्न वगैरह हर चीज डली हुई है और काफी हैवी है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजेदार है भाई। 130 रुपए में अगर इसी तरीके से कस्टमर को भी मिलता है तो मजेदार, तो बहुत मजेदार है जी, मस्ट ट्राई है फिर तो। दोनों ही चीजें, जो बर्गर हमने ट्राई किया वो भी हमें अच्छा लगा और सैंडविच जो ट्राई किया वो भी, और सबसे बड़ी बात ना जो ऊपर से ग्रिल कर रखा है ना वो बहुत कमाल का है, क्रंच आ रहा है और हैवी है, एक बंदा ये पूरा खा लेगा तो उसका प्रॉपर लंच या डिनर हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, उसको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके साथ वो सॉफ्ट ड्रिंक ले ले फिर तो फिर तो खत्म गेम। हाँ, लास्ट हमारा रह गया जी फूड स्पेशल पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, तो अब इसको भी जो है ना टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया आज, हमने दूसरा पिज्जे की जगह ये वाला पिज्जा ले लिया। मैंने कहा यार नॉर्मल पिज्जा तो हम हर जगह खाते हैं, आप देखो चीज जो है ना अच्छा खुला डाला हुआ, मोज़रेला चीज बढ़िया डाला हुआ है, बढ़िया डाला हुआ है जी, टेस्ट करें। भाई पिज्जा में खा रहे हैं, मतलब ब्रेड में खा रहे हैं, लेकिन ना पिज्जा की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो सामान लगा हुआ है पिज्जा सॉस वगैरह लगी हुई है, मोज़रेला चीज़ है और इसके अंदर मेयोनीज भी डली हुई है, बिल्कुल तो प्रॉपर पूरे सारे के सारे अच्छा पिज्जा वाले फ्लेवर मतलब आ रहे हैं। जो प्रॉपर पिज्जे का जो टेस्ट होता है ना एग्जैक्ट वैसा है। अच्छा वेजेस इतनी ज़्यादा है कि ऊपर भी प्याज और कैप्सिकम डला हुआ है और इनर पोर्शन में भी डला हुआ है, और एक चीज़ ना मंगल ऑरेगानो का जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, जो ऊपर जो सीजनिंग कर रखे है उससे फ्लेवर्स और ज़्यादा एनहेंस हो रहे हैं। ब्रेड को ग्रिल नहीं कर रखा, ब्रेड को जो है टोस्ट कर रखा है, पीछे बैक साइड में मैं देख रहा हूँ हल्का सा बटर वगैरह लगा के ना उसको टोस्ट बहुत अच्छे से कर रखा है, तो बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे यार, ये चीज़ वाकई में बहुत पसंद आई है। बस एक चीज़ है, अगर इसका भी प्राइस 120-130 होता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन इसका प्राइस इन्होंने यहाँ पे जो है ना 180 रुपीज़ रखा है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है ना महंगा है, बाकी टेस्ट बहुत कमाल का है। अच्छा बस एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी वो टैंगी ज़्यादा लग रहा है, जैसे मेयोनीज लगाई है या चीज़ ब्रेड लगा रखे हैं उसका खट्टापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाकी अगर अदरवाइज बढ़िया है। आपको एक बार जो है ना इसका क्लोज लुक दिखाता हूँ, आप ब्रेड्स के जरा कॉर्नर देखो, काफ़ी अच्छा चीज़ वगैरह डाला हुआ है, कैप्सिकम है, अनियन है, मेन चीज़ अंदर इनर पोर्शन में भी जो है ना काफ़ी अच्छी वेजेज वगैरह, ये जो वाइट वाली मेयोनीज है ना इसका तेरे को थोड़ा सा वो खट्टा टैंगी वाला फ्लेवर आ रहा है, बाकी तंदूरी सॉस इसमें भी डली हुई है, और एक चीज़ इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टोस्ट नहीं कर रखा, मतलब ग्रिल नहीं कर रखा, इसको तवे पे टोस्ट कर रखा, टोस्ट कर रखा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो क्रंच आ रहा है वो बहुत मजेदार आ रहा है, कॉर्नर जो है वो एकदम क्रंच हो रखे हैं, क्रिस्पी हो रखे हैं, हैवी चीज है जी, अगर वन टाइम खा लो तो अच्छा खासा पेट भर जाए। सही में ओवरऑल फूड हमें काफी सही लगा, तेरे को सही लगा भाई? फूड बढ़िया भाई, फूड बढ़िया है जी। यहाँ की टाइमिंग जो है सुबह 10:30 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक है, बाकी भाई एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।